हाँ, ये सर्दियाँ क्यों आती हैं? अब इस हेमंत ऋतु ने क्या बिगाड़ दिया तुम्हारा? अरे, इसमें तो स्टाइल भी नहीं मार सकते और कपड़ों के इतने लेयर्स। क्यों, हेमंत ऋतु का मेरा ये स्टाइल बुरा लग रहा है? मैंने देखो, हेमंत ऋतु के अकॉर्डिंग गर्म कपड़े भी पहने हैं और कैप भी पहनी है। सच बताऊं, इस मंकी कैप में बिल्कुल मंकी लग रहे हो। तुम्हारे स्टाइल के चक्कर में कहीं बीमार ना पड़ जाओ, इसलिए बढ़िया तेल से मालिश किया करो, स्निग्ध पदार्थों से उपटन लगाया करो और गर्म पानी से नहाया करो और मस्त धूप का सेवन किया करो। हाँ, वैसे सर्दियों में धूप सेकने का तो मजा ही कुछ और है। चलो, बस का समय हो गया है, मुझे मम्मा के घर जाना है। देखना, मुझे ज़्यादा मिस मत करना। अरे, मैं तुम्हें मिस ना करूँ, ऐसा कभी हो सकता है? तुम्हारे बिना मैं कितना दुखी रहूँगा। चलो, वो सब छोड़ो और याद रखो, मेरे आने तक तुम्हारी ये जो तोंद है ना, वो कम हो जानी चाहिए, क्योंकि अब बहाना नहीं है। हेमंत ऋतु में तो व्यायाम करना ही चाहिए। तुम्हें अपने काम की ऋतुचर्या बड़ी याद रहती है ना? चलो, ध्यान रखना, बस में खिड़की वाली साइड मत बैठना, क्योंकि डायरेक्ट हवा का सेवन इस ऋतु में नहीं करना चाहिए। और कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक भी मत पीना, क्योंकि ठंडा पानी भी नहीं पीना चाहिए। अच्छा है, मैं घर जा रही हूँ, तुम्हारे इस ज्ञान से मुझे छुटकारा तो मिलेगा। और मुझे तुमसे। ठीक है, फिर मिलते हैं, ध्यान रखना अपना। ये है असली लाइफ, नो बीवी, ओनली टीवी। वैसे मैंने हेमंत ऋतु के अकॉर्डिंग सारे हथियार इकट्ठा कर लिए। मैंने तो बढ़िया तली हुई मछली भी रखी है और पीने के लिए भी कुछ रख लिया है। पीने के लिए मीन्स गर्म पानी। वैसे तो हेमंत ऋतु में दूध भी पीना चाहिए, बट मछली के साथ दूध ठीक नहीं है। वैसे बीवी नहीं है तो आपका ही ज्ञान बढ़ा देता हूँ, हेमंत ऋतु में खट्टा, नमकीन और स्निग्ध आहार खाना चाहिए। और हाँ, इस ऋतु में नए चावल भी खा सकते हैं। मुझे तो चिंता हो रही है, कहीं ये वजन घटाने के चक्कर में कम ना खा रहा हो। हेमंत ऋतु में तो अच्छी मात्रा में खाना खाना चाहिए ना? भाई, आज तो बहुत ही खा लिया भाई। अरे, एक चीज तो रही गया, इस ऋतु में सीख कबाब भी तो खा सकते थे, बट चलो, अब पेट में जगह नहीं है। वैसे मैंने जितना सोचा था, अकेले रहना उतना अच्छा भी नहीं है, मुझे तो उसकी याद भी आ रही है। मैं कल ही उसे वापस ले आऊँगा।